नेशनल हॉलीडे पर ही आएगी पंगा, कबड्डी प्लेयर के रोल में नजर आएंगी कंगना रनौत। फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में शानदार काम करने के बाद नेशनल हॉलीडे का स्लॉट कंगना रनौत को काफी पसंद आ गया है और उन्होंने इस बार इस स्लॉट को बुक किया है फिल्म पंगा के लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पंगा अगले साल 2020 में 24 जनवरी को रिलीज होगी। फिल्म में कंगना एक कबड्डी प्लेयर की भूमिका में नजर आएंगी। इसे अश्विनी अय्यर तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिल्म में कंगना पंजाबी सिंगर जस्सी गिल के साथ हैं। इसमें नीना गुप्ता और ऋचा चड्ढा भी इम्पोर्टेंट रोल में नजर आने वाली हैं। मेकर्स ने फिल्म का पहला लुक भी जारी कर दिया है जिसमें कंगना और जस्सी गिल साथ नजर आ रहे हैं और दोनों किसी बात पर ठहाका लगाते हुए दिख रहे हैं। अश्विनी ने सोशल मीडिया पर पंगा के लुक को शेयर करते हुए लिखा, जब एक कहानी के नोट्स एक साथ आने लगते हैं तब वो एक ह्यूमन एक्सप्रेशन में बदल जाते हैं। इससे पहले खबरें थी कि अश्विनी ने कंगना को नो इंटरफेरेंस का संकेत भी दिया था। हालांकि अश्विनी अय्यर तिवारी ने अफवाहों को खारिज करते हुए कहा, बतौर एक्टर और डायरेक्टर आपकी प्रशंसा में हमारी खुशी है। मुझे यकीन था कि इस किरदार में कंगना जान डाल सकती हैं। जो खबरें आसपास चल रही हैं वो झूठी और बेसलेस हैं, जिन्हें परमिशन नहीं दी जानी चाहिए। आपको बता दें कि हाल ही में इस साल कंगना की पहली फिल्म मणिकर्णिका रिलीज हुई थी। फिल्म को लेकर कई विवाद भी सामने आए, लेकिन रिपब्लिक डे वीक में रिलीज हुई इस फिल्म ने ठीक ठाक बिजनेस किया। मणिकर्णिका ने 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई अब तक कर ली है।